नौतनवा विकास खंड के खनवा ग्राम में कोटेदार के विरुद्ध ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों को कम राशन मिल रहा था, कोटेदार की इस मनमानी पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और भारी संख्या में कोटेदार की मनमानी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि स्थानीय खनवा में सरकारी राशन की कोटेदार दिनेश खद्दान विद्रोह मित्र यूनिट के हिसाब से कम राशन वितरित कर रहा था। तभी कुछ लोग नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान आशा देवी के पास जाकर शिकायत किए। महिला ग्राम प्रधान ने कोटेदार से यूनिट पर तय पूरा राशन देने की बात कही, फिर भी कोटेदार मनमानी करता रहा। आए दिन कोटेदारों द्वारा राशन वितरण में की जा रही मनमानी व कालाबाजारी की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन पूर्ति विभाग के अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में विभागीय अफसरों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान आशा देवी का कहना है कि गांव में कुल 302 कार्ड धारक हैं, कोटेदार की मनमानी से लगभग सभी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कोटेदार द्वारा राशन वितरण में अनियमितता की जा रही है। कोटेदार द्वारा राशन में गोलमाल को लेकर ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीण सावित्री देवी, फूला देवी, रामशरण कतवारी, सुमन देवी, मीरा देवी आदि का कहना है कोटेदार की मनमानी से उपभोक्ता आई जा चुके हैं। लोगों ने कहा कि कोटेदार द्वारा राशन वितरण में मनमानी की जा रही है। महिला ग्राम प्रधान ने कोटेदार के मनमानी की शिकायत SDM नौतनवा राम सजीवन मौर और जिला अधिकारी महाराज के COG नंबर पर फोन कर की। इससे बाद मौके पर सप्लाई इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार पांडे पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गए। सप्लाई इंस्पेक्टर ने मीडिया को बताया कि ग्रामीणों का बयान लिया गया है, जांच में पाया गया कोटेदार द्वारा प्रति कार्ड धारक को कम राशन दिया जा रहा है, कोटेदार को तलब किया गया है। नौतनवा SDM राम सजीवन मौर ने बताया कि राशन वितरण में धांधली की शिकायत मिली थी, पूर्ति निरीक्षक को जांच कर आख्या देने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी गौरी शंकर शुक्ला ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, अगर शिकायत मिली तो जाँच कर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आए हुए हैं आप? ये खनवा ग्राम सभा है नौतनवा विकास खंड नौतनवा का। कल फोन SDM साहब के पास प्रधान जी का गया कि हमारे कोटेदार द्वारा प्रत्येक कार्ड धारकों से 1-2 किलो घटतौली की जा रही है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं 2 बजे इस ग्राम सभा में आया और वितरण कार्ड रुकवा दिया। मैंने कहा मैं आऊँगा, उसके बाद वितरण होगा। फिर रुकवा दिया। आने के बाद 15 लोगों का बयान लिया, किन्हीं कारणों बस बयान पूरा नहीं हो पाया। पर्यवेक्षक महोदय को फ़ोन किया, हमने कहा SDM साहब से बात करके हमने कहा कल से पहले पूरा वितरण हो जाए। यूनिट वाइज जितना यूनिट है उसमें से एक भी छटाक खाद्यान्न कम नहीं होना चाहिए, पहले वितरण हो जाता है, फिर उसी बयान के बिहेव पे इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चलेगी। सर ये बताइए, जो है प्रधान जी का आरोप है कि जो इतना यूनिट दर्ज है कोड़े में, उस यूनिट से भी कम दिया जा रहा है? नहीं, उसी के लिए हमने बयान लिया ना, उसी के लिए बयान लिया। हमको बयान 15 मिला है, उसके बाद आज पर्यवेक्षक महोदय की उपस्थिति में वितरण हो रहा है। सूची है जिसका जितना यूनिट है उसके हिसाब से, गुणे 5 के हिसाब से उनको खाद्यान्न दिलवाया जा रहा है। तो किसी शिकायत पे आप सर यहाँ पहुँचे हैं? हमको SDM साहब ने निर्देशित किया था, उनके पास शायद प्रधान जी का फोन गया रहा होगा जी। सर प्रथम दृष्टिता आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? प्रथम दृष्टिता तो हमको ये लग रहा है कि हाँ, इसमें कम अगर 25 किलो किसी का हो रहा है तो उसको 24 किलो ही प्राप्त हुआ है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर इसमें? कार्रवाई अब पहली बार इनका आरोप पत्र जारी होगा इनके ऊपर, ये अपना आरोप पत्र के हिसाब से अपना स्पष्टीकरण देंगे, उसके बाद SDM महोदय के स्तर से कार्रवाई होगी। क्या नाम है आप और कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं खनवा की रहने वाली हूँ, मेरा नाम आशा है। किस तरह का मामला है यहाँ पे? जो है ग्राम खनवा की प्रधान है। क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या यही आ रही है कि 2-2 किलो राशन पूरे जनता से काटा जा रहा था, तो कम से कम 30-35 लोग हमारे पास गए मैटर लेकर के कि प्रधान जी इतना 2-2 किलो राशन काटा जा रहा है, जिसका 7 यूनिट है उसको 5 दिया जा रहा है, जिसका 4 यूनिट है उसको 3 दिया जा रहा है, जिसका 6 है उसको 5 ही दिया जा रहा है। तो उसके लिए हमने इनके पास आए, मतलब शिकायत दर्ज करने के लिए, तो इन्होंने मेरा शिकायत सुना नहीं, इसलिए मैंने SDM के पास फ़ोन किया। उसके बाद सफाई इंस्पेक्टर आए, अंगूठा ले ले, लोग बोलने लगे फर्जी अंगूठा ये है वो, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत पड़ गया, बस हो गया, इतना ही बात था। अब क्या जो है राशन मिल रहा है लोगों को? राशन मिल रहा है लोगों को, मतलब इस कल से पूरे दे रहे हैं, मतलब जितना है कल से पूरे दे रहे हैं, कल से दे रहे हैं। अब शिकायत किए हैं सर? शिकायत किए हैं DM साहब का, इंस्पेक्टर साहब आए थे, उसके बाद जो होगा
नहीं नहीं, आप इस क्या कम राशन देते थे इन लोग को? नहीं सर, बराबर देते थे। नहीं, ग्रामीणों का यहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग बता रहे हैं कि सर उन्हीं लोगों के संपर्क से जो है वो लोग बोले थे जिसका 25 किलो है उसको जो है 1 किलो कम कर दो, गेहूँ खाली मात्र गेहूँ 1 किलो कम कर दो, उसके बाद 24 किलो दो, इन्हीं लोगों को कहना था पहले। मतलब आप पूछ लीजिए सर, है कि नहीं बात सही? आप जो 24 किलो दे रहे थे लेकिन सबके सहमति से? हाँ सर, सबके सहमति से हम दे रहे थे। लेकिन अब क्यों बोल रहे थे कि हमको कम दीजिए? है कि नहीं बोले? अब क्या देंगे आप? अभी भी 24? नहीं सर, एकदम बराबर देते हैं, साहब आए हैं बैठ करके बटवाए हैं बराबर। मतलब क्या जितना जो 25 किलो है 25 किलो मिल रहा है उनको, जो अंतोदय है अंतोदय लोग कहना है कि उनको यूनिट के हिसाब से जो मिलता है इस समय अंतोदय का यूनिट नहीं मिलता है? नहीं यूनिट मिलता है सर। नहीं नहीं अंतोदय यूनिट नहीं मिलता है, नहीं फ्री वाले में जो है सर, ये जो फ्री में आया है फ्री वाला मिलता है। हां इस यूनिट से मिलता है जो जो है वो इसे अंतोदय ऊंचा है वो 35। अच्छा हम कहीं बताओ ये सही देते हैं आप? हां सर सही देते हैं सर। 9 किलो यार मिला लगी, 3 परिवार के 9 किलो यार, 4 परिवार नहीं पा रहे हैं। क्या यूनिट है आप लोग, क्या लोग आपके वहाँ? आपके 9 लोग हैं? 9 लोग हमारे पास लिस्ट में, लिस्ट में पूछा जा रहा है। लिस्ट में कितने लोग हैं? लिस्ट में तो इन्हें 200 रुपया दिया गया। आप बताइए आप लोगों को पूरा राशन मिला है? पूरा राशन तो मिला ला, मगर हमारे अंतोदय वाला हो, अंतोदय वाला राशन कितना मिलता है आपको अंतोदय में? तो 35 किलो मिला ला, बाकी 2 किलो कम रहा हमारा, 2 किलो कम रहता है। पैसा भर आपको पूरा भर मिलता है? हाँ, 1 किलो कम करते रहने हैं। हाँ? मिला ले 1 किलो एक, और इस महीने का राशन मिल गया आपको? हाँ मिला ला। कितना राशन मिला है? 15 किलो रहा है। 15 किलो मिला है। क्या लोग हैं आपके घर में? 4 जने, एक जने के राशन कार्ड नहीं बना हुआ, तीन आधार कार्ड। ठीक है, आपको सही मिला। हाँ, आपको राशन मिला है? हाँ, एक मनाई मिला ला, 4 मनाई के उठी पर एक मनाई मिला ला राशन, 5 किलो 5 किलो वाले मिलता है। कितने लोग हैं, कितने लोग कैबिनेट में है? 4 चार यूनिट आपके घर में? चलिए ठीक। आपको हमारा अंतोदय हो तो 35 मिला ला। हाँ। तो 35 में 2 किलो काट ले, 2 किलो काट के देते हैं, 33 किलो देते हैं। लोगों का कार्ड बन गया है, 18 यूनिट मात्र बाकी है, मतलब 2-3 कार्ड, लेकिन कुछ ग्राम सभा में अपात्र होंगे जिनको इनकी जिम्मेदारी है, खुली मीटिंग में उनको निकालें ताकि गरीबों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ये योजना सरकार गरीबों के लिए चला रही है तो गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए। कोई समस्या हो आपके, मैं डेली बैठता हूँ ऑफिस में, आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग हमको जानते हैं, मैं डेली बैठता हूँ। खनुआ से नौतनवा तहसील मुश्किल से 5 किलोमीटर होगा, कोई भी आके मिल सकता है? नहीं सर, ग्रामीणों का कहना है कि जो है ये आज से नहीं लोग कम राशन मिल रहा है, पिछले कई सालों से, 5 सालों से मिल रहा है। तो आप लोग एक मिनट सर, तो आपके द्वारा किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और ये कैसे लोगों को विश्वास दिया जा रहा है कि इसके बाद भी लोग कम राशन नहीं मिलेगा? अब बंधु आप बताइए, मैं यहाँ बैठ के विधवा करवा रहा हूँ, इससे ज्यादा विश्वास मैं क्या आपको दिलाऊं? मैं बैठा हूँ यहाँ सारा काम छोड़ के, कल भी आया आज भी आया, मेरे जिम्मे पूरा तहसील है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो इससे मतलब बड़ा विश्वास की कौन सी बात हो सकती है? रही बात है, अब प्रधान महोदय को एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि इनके द्वारा जो अपात्र हैं इस गांव में, कम से कम 30% लोग अपात्र कार्ड धारक होल्डर हैं, उनको चिन्हित करा के निकलवाएं ताकि गरीबों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सर एक चीज और है, अब की बार योजना आई है गवर्नमेंट की कि जो जिसके पास कार्ड नहीं है उसको भी प्रधान चाहे कैसे? हमारे थ्रू नहीं है। अच्छा, खाद और रसद विभाग थ्रू नहीं है। अच्छा, उसके लिए ब्लॉक व्लाक से पूछूंगा तो आप पता कर लेंगे। हमारे यहाँ यही है जिनका कार्ड है। आप देख रहे हैं TVS न्यूज़।